हाजरीन सवाल को मैं फरमान हैदर इस वक्त अब्बासी क्रिकेट एकेडमी में हूँ और अब्बासी क्रिकेट एकेडमी में जो ये टूर्नामेंट हो रही है उसके दोनों एम्पायर इस वक्त हमारे साथ हैं, जनाब खुर्शीद साहब और जनाब वजीर साहब। मैं खुर्शीद भाई जो कि अपने टाइम के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, ओपनिंग करते थे और उस टाइम पे इन्हें टवारा कहा जाता था। और मैं खुर्शीद भाई से पूछूंगा, खुर्शीद भाई ये बताइए कि इस वक्त आप क्रिकेट को बहुत करीब से देख रहे हैं क्योंकि विकेट पे खड़े हैं, आपके टाइम के क्रिकेट में और इस वक्त के क्रिकेट में क्या फ़र्क है? क्रिकेट पूरी तरह चेंज हो चुका है। हमारे टाइम का क्रिकेट जो था टीमें नहीं चला करता था, वी में चला करता था, आज का क्रिकेट टीमें चलता है, ये फ़र्क है। टीमें और वी में मतलब कवर अष्टा कवर और मिड विकेट में शॉट ज़्यादा खेलते थे, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन नहीं खेलते। पहले हमारे टाइम में लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन खेला करते थे, आज जो खिलाड़ी जो है वो स्टेयर को भूल चुके हैं पूरी पूरी तरीके से, सबसे ज़्यादा रन देता है। फ्लिक को भूल चुके हैं पूरी तरीके से, सबसे ज़्यादा रन देता है। खिलाड़ी बनाते हैं, आज भी बनाते हैं टेस्ट मैच में, लेकिन उसमें नहीं बना पाए। ये जो नए लड़के यहाँ खेल रहे हैं इस वक्त अमरोहा के, उसमें आपको कौन खिलाड़ी ऐसे लगे जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लड़के अच्छे खेल रहे हैं? लड़का इसमें वो था क्या, नयन दूसरे 206 रन बनाए, वो अच्छा बैट है, वो अच्छा ऑलराउंडर है। उसके बाद में अरीफ डिफेंस का, ये बहुत सही ऑलराउंडर है। और अजीम जो कल के मैच में खेल रहा था बहुत शानदार बल्लेबाजी की उसने, और फ्यूचर में मुझे लड़के बहुत सही हैं। तो ये जो जैद पार कर लड़का, आज की जो आज जो मैच हो रहा है उसमें न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा करके 69 रन पे 8 विकेट कर दिए थे, अब उनका स्कोर 135 हो गया, 143 पार्ट ऑफ द गेम चला करता है। इस वक्त जो है आप न्यूजीलैंड के लिए क्या कहेंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए? थोड़ी ढील डाली ना, ढील नहीं डालनी चाहिए थी, जो मेन बॉलर थे वो खत्म हो चुके थे इनके दोनों। वजीर साहब आप अपने ज़माने में खुद बहुत हमें बहुत क्रिकेट खिलाई आपने, हमें दूर दूर ले आगे, और इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, हमारे टाइम की क्रिकेट को और इस टाइम की क्रिकेट को, और खिलाड़ियों में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, क्योंकि खिलाड़ियों में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, क्योंकि आज के बच्चे जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते सीधे खिलाड़ियों की। और दूसरी चीज़ यह है, जो हमारे पुराने साथी खिलाड़ी है चाहे अभी हैं जूनियर हैं हमारे, आप बहुत इज्जत करते हैं, आपके छोटे भाई बहुत इज्जत करते हैं, आपको बड़े भाई बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत दो, इज्जत करो, इज्जत लो। और सवाल क्रिकेट का है तो क्रिकेट में वैसी हो गई है गिल्ली बल्ला। आप नए लड़कों से क्या देंगे, आपके क्या उनसे मैसेज क्या देना चाहेंगे नए लड़कों को? वही मैसेज देना चाहता है कि फ्लिप स्क्वायर पे ये देख। तो ये वजीर साहब और खुर्शीद साहब अपने ज़माने खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और खिलाई भी है। मैं तमाम लड़कों से ये गुजारिश करूंगा कि जो इन्होंने बताई हैं कि ये कमियां हैं उन्हें दूर करें, और जैसे वजीर भाई ने बताया कि लड़के सीनियर की इज्जत नहीं करते, यही हमारे यहाँ के इस वक्त के लड़कों का फेलियर है। जो बड़ों की इज्जत नहीं करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, कितना ही क्रिकेट अच्छा खेल लें, मगर जो हमारे टाइम में क्रिकेट होता था उसमें और आज के क्रिकेट में बस यही फ़र्क है, क्योंकि आज के लड़के ओवर स्मार्ट ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए अगली बार फिर अभी मिलेंगे जब मैन ऑफ द मैच और उसका सेरेमनी होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।